नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर टुडे। ये जो एक प्यारा सा वीडियो आप देख रहे हैं, 15-16 साल का बच्चा एक सारस को कटिए से मछली मारकर उसे खिला रहा है। और देखिए कितना खूबसूरत वीडियो है ये। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए किस तरह से ये सारस इस बच्चे के पीछे उड़ रहा है। ये जो बच्चा है ये ना ही आरिफ का दोस्त है और ना ही आरिफ का कोई रिश्तेदार है, या दूर दूर तक आरिफ से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, यहाँ तक कि ये अमेठी ज़िले से भी नहीं है। हाँ, लेकिन है तो उत्तर प्रदेश का ही। अमेठी से करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है ये। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, आप देख सकते हैं नहर की पटरी पर ये लड़का बाइक चला रहा है आगे, और पीछे ये सारस इसके पीछे पीछे उड़ रहा है। प्रयागराज ज़िले का ये वीडियो है ये, मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊँगा। उससे पहले कुछ बेहतरीन बहुत प्यारे शॉट मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं। ये देखिए, ये तालाब के अंदर ले जाकर ये लड़का इस सारस को नहला रहा है, साफ तौर पर देख सकते हैं आप। और नहलाने के बाद देखिए ये खुद भी तालाब के अंदर घुसा हुआ है। देखिए किस तरीके से इसको बहुत आराम से, देखिए प्यार से, कितने अच्छे से। इस वीडियो में ये भाई साहब सारस के लिए तालाब से मछली अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक मछली छोटी सी आती है लेकिन वो छूट जाती है, और ये देखिए कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन इनके हाथ में मछली आ नहीं रही है। और ये जो जनाब हैं सारस, ये इनके साथ में यहाँ पर खड़े हैं कि जब ये मछली पकड़ कर इनको देंगे तो ये खाएंगे। ये देखिए खुद भी ये ढूंढने लग गया है। ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो है ये, प्रयागराज का है, जहाँ पर हमारी टीम पहुँची थी इनसे मिलने के लिए। और मैं खुद अभी मैं आपको इनसे मिलवाऊँगा, उससे पहले कुछ वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी लगे कि कुछ किस तरीके से इंसान और पक्षी के बीच में कितना प्यार चल रहा है। ये बच्चा है 15-16 साल का, देखिए इसे अपने बेडरूम में बिठाए हैं, ये जहाँ पे ये सोते हैं वहीं ये भी रहता है। इसका नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, ना ही मैंने इसे पूछा है। खैर, आप कोई अच्छा सा नाम दे सकते हैं कमेंट में। बाकी देखिए किस तरह से अपने हाथों से खिला रहे हैं, और काफ़ी एक खूबसूरत वीडियो आपको दिखाई दे रहा है जिस तरह से ये देखिए ये अपने हाथों से खिला रहे हैं। अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इस बच्चे के बेडरूम का है जहाँ पे सारस के साथ ये रह रहा है। और ये देखिए ये अब जो है ये अपने घर से इसको बाहर लेकर आ रहे हैं, और बाहर निकाल कर देखिए ये बाहर आ गया है। ये जो 15-16 साल का बच्चा आपको इस सारस के साथ दिख रहा है, इसका नाम आमिर है। आमिर जो प्रयागराज ज़िले का रहने वाला है। ये देखिए कहीं भी ये जाते हैं आमिर के साथ में ही ये सारस रहता है, अपने साथ इसको घुमाते हैं, यानी जहाँ भी आना जाना हो ये साथ में लेके जाते हैं। आमिर से मैं आपकी पूरी बात करवाऊँगा, आमिर से मेरी काफ़ी देर तक बात हुई है। उससे पहले कुछ मैंने जो वीडियो शॉट लिए हैं उसको आप देखिए कि किस तरीके से गहरी दोस्ती है आमिर और सारस के बीच में। एक अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग वीडियो, हाँ जाता है ना, जाता हाँ, है लेकिन अभी थोड़ा डरता है, बच्चा है, बच्चा है इसलिए हाँ। डरता है। लेकिन कभी सा कि ऐसा वायरल होना चाहिए, अखिलेश यादव आए उसके बाद आपसे मिले, या मुख्यमंत्री आए वो आपसे मिले, कुछ ऐसा सोच जी, ऐसा नहीं, फेमस नहीं होना, तो बस इसको ये सेफ रहे, अच्छे से मेरे साथ रहे, बस। अच्छा, आपके साथ रहे। आरिफ को क्या कहना चाहेंगे? वो बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, उसको बचाया उन्होंने। जी, उसको बचाया है उन्होंने। आते रहते हैं आपसे कि नहीं? हाँ, आते हैं, आते हैं। जब से आरिफ वाला वीडियो वायरल हुआ तब से काफी लोग आते हैं, तब से काफी लोग आते हैं। अच्छा, चलिए देखते हैं इसको भी, देखने आइए। चलो डरो मत, भीड़ देख कर ही लेकिन डर जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लोग आए हुए हैं, ये बाहर से भी है या गाँव के भी लोग हैं? बाहर के भी लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, गाँव के भी, गाँव के भी लोग हैं, ये सारे लोग आपसे मिलने आते रहते हैं। अच्छा, आइए आप लोग थोड़ा पास आइए, आप लोगों से भी थोड़ा बात किया जाए, आइए। ये मैं टच कर लूँ इसको, टच कर लूँ बात कर, ये तो काट सकते हैं। देखिए ये काट रहा है, अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये काफ़ी गुस्सा हो रहा है, मेरे को दूर आना पड़ेगा थोड़ा सा। आप अपने पास ले जाइए इसको, क्योंकि ये आप ही का दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो आरिफ वाला वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इनके पास भी अखिलेश यादव को मिलने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि आरिफ ने ये कह रहे हैं कि आरिफ ने सिर्फ उसकी टांगे जोड़ी हैं, लेकिन इन्होंने उसको इसको जिंदगी दी है, कहीं ना कहीं देखा जाए लाइफ दिया। जब ये छोटा सा था तो इसको लेकर आए अपने पास, मतलब अपने रूम में रखा, क्या लगता है कि मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है किस तरीके से? बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, जैसे मेहनत किए हैं। किस तरफ लाइए आप, किस तरफ लाइए? बेचारा बचपन से लेके जवानी तक इसको पाल रहा है, खिला रहा है, मेहनत करता रहता है, साथ साथ रहता है। आरिफ का वीडियो देखा जाए तो काफी वायरल हुआ है ना, मीडिया उसमें लोग उसको देख रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो जिस तरह से क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद आमिर। आमिर ने काफी अच्छा काम किया, काफी सराहनीय काम है। तो क्या लगता है कि मतलब
ऐसा वायरल होना चाहिए कि आप लोगों को भी लगता है कि आपके गांव फेमस होना चाहिए। वायरल स्टेट बर्ड भी है यहाँ का, राइट। और जिस तरह से ये कितना छोटा सा, एकदम छोटा सा था, एकदम छोटा सा था। आमिर भाई ने बहुत मेहनत किया है इनके लिए, दिन रात एक कर दिया है। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, वायरल होने के बाद आपको एहसास हुआ कि जो है आमिर को भी फेमस इस तरह से, मतलब यहाँ पे लोग आए बाहर से और सारी चीज बाहर से आए, सभी क्या लगता है कितना, किस तरह कैसा एहसास हो रहा है? मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आमिर भी हमारे पाल रहे हैं, इसको बचपन से पाल रहे हैं और इतना बड़ा कर दिया इसको पाल पोस के। पहले लगता था कि ऐसे फालतू में पाल रहे हैं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं आमिर इससे, इसके इनके साथ जाता है इधर उधर, कहीं भी जाते हैं तो आमिर के साथ जाता है। चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो बर्ड है, ये आमिर का एक अच्छा दोस्त। अगर मैं इसको टच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे टच करने नहीं दे रहा। और मैंने जैसा कि आपको दिखाया इस वीडियो में कि हम लोग जब बाहर गए तो कहीं ना कहीं सेम जिस तरह से आरिफ को ये फॉलो कर रहा है, उनका जो बर्ड है सारस बर्ड है, उनका दोस्त है, उसी तरीके से ये आमिर का दोस्त है और इनको भी उसी तरह से फॉलो कर रहा है। ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है, प्रयागराज का सराव तहसील पड़ता है ये। आगे भी हम आपको कुछ अपडेट देते रहेंगे।